नमस्कार, मी राम धनगर। आपण पाहत आहात वत्स गुलमलाहिम। कोरोना काळात पैसे खर्च करूनही कृत्रिम ऑक्सिजनअभावी कित्येकांना आपले प्राण गमवावे लागले, परंतु निसर्ग आपल्याला अनादि काळापासून मोफत प्राणवायू देत असून प्रत्येकाने प्राणवायू वृद्धिंगत करण्यासाठी पर्यावरणाचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन इनरव्हिल क्लब ऑफ वाशिमच्या अध्यक्षा साधना नेनवानी यांनी केले आहे। दरम्यान भविष्यात प्राणवायूची कमतरता भासू नये म्हणून वाशिम येथे इनरव्हिल क्लबच्या वतीने कृत्रिम जंगल निर्मिती करण्यात येत आहे। त्या अनुषंगाने इनरव्हिलच्या सदस्यांनी वाशिम शहरात स्कूटर रॅली व पोस्टरच्या माध्यमातून जनजागृती करून वाशिम येथील ईश्वरी कॉलनीमध्ये भव्य वृक्षारोपण मोहीम राबवित प्राणवायू देणाऱ्या 160 देशी वृक्षांची लागवड केली आहे। पाहत रहा वत्स गुलमलाहिम, आपली संस्कृती आपला वसा। पाहत रहा वत्स गुलमलाहिम, आपली संस्कृती आपला वसा। इनरव्हिल क्लब की तरफ से सबको आज फॉरेस्ट का जो हम ये किया है आज उद्घाटन, उसका हम लोग सभी क्लब मेंबर्स को एक तो बधाई दे रही हूँ कि कोरोना के रहत जो हमने आज देखा है कि मतलब ऑक्सीजन की कितनी कमी होने के कारण कितने लोग मतलब कोरोना में नुकसान हो गया है। एक इस बच्चे का हमारे पास एक संदेश आया था व्हाट्सएप के ज़रिए, और इसी बच्चे ने ऐसे जागरूक किया कि वाकई ये भविष्य में ऐसा ना हो, इन बच्चों को कहीं ऐसा ऑक्सीजन लेने की इतनी मतलब इतनी प्रॉब्लम्स हो। अभी देखा गया हमने, आगे और परेशानी ना आए भविष्य को, तो ये हमने सोचा, ये जागरूक सभी मेंबर्स जागरूक हुए हैं इनरव्हिल क्लब की तरफ से, और सभी मेंबर्स की तरफ से दो दो झाड़ हमने यहाँ पे लगाने के सोचे हैं। 160 झाड़ इस फॉरेस्ट को हमने मतलब लगाए हैं, तो भविष्य में ये आगे और तकलीफ ना आए, और हमारा ये संदेश हर जगह जाना चाहिए, और हमने ये रैली के द्वारा ये सबको संदेश पहुँचाया है। इनरव्हिल क्लब गार्डन की तरफ के यहाँ से हमने इसका शुरुआत की है, और जो मानुष किसी भीत नगर परिषद ये रोड पे जो हमने मैसेजेस बनाए उसको पूरा कवर करते हुए अभी हमने इनरव्हिल क्लब जो फॉरेस्ट यहाँ पे बनाए यहाँ पे हमने आके एंड किया है, और यहाँ पे 160 झाड़ हम लगा रहे हैं, सभी क्लब अपने अपने हाथ से लगा रहे हैं। थैंक यू।